गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको पुराने कपड़ों से एक बहुत ही सुंदर पायदान बनाना बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पायदान बनाने के लिए हमने एक कागज़ लिया है और आप मोटा पतला कोई सा भी कागज़ ले सकते हैं। और ये देखिए, इसको हमने मोड़ लिया है और बंद भाग हमने अपने सामने कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने इंची टेप लिया है। इंची टेप से हम 8 इंच की लंबाई पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हम आड़ी लाइन भी खींच देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। और यहाँ से यहाँ तक हम खड़ी लाइन भी खींच लेंगे एक, ये देखिए इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कोने से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से गोलाई में निशान लगाना है। और ये देखिए, यहाँ से इस प्रकार से तिरछी लाइन करके यहाँ तक मिला देना है। देखिए, मैं आपको डबल करके दिखाती हूँ, यानी मोटी लाइनिंग करके दिखाती हूँ। मैं पेन से लगा रही हूँ इसलिए पतली लाइन दिख रही है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मोटी लाइन कर दी है, अब आपको अच्छे से दिख गई होगी ये लाइन। और इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कटिंग करने के बाद इस प्रकार से हमारा ये शेप बन जाएगा, ये देखिए। और इस कागज़ की कटिंग को हम पुराने जीन्स पर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो निशान लगा कर भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम दूसरे रंग का पेंट लेंगे, उस पर भी इस शेप को रखकर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से रखना है और कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 रंग के पेंट लिए हैं और दोनों की कटिंग कर ली है। तो इसी प्रकार से हमने 8 कलियाँ बना ली हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 8 कलियाँ बना ली है। आप कोई से भी रंग का पेंट ले सकते हैं, ये देखिए। और अब मैंने एक पुराना कपड़ा लिया है, कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं आप, और उसको भी इसी शेप में काट लेना है। हमने 8 कलियाँ बनाई हैं तो 8 ही कली हमें पुराने कपड़े की भी काटनी है। तो ये देखिए, इस प्रकार से हम पुराने कपड़े की कटिंग कर लेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको भी काट देंगे। और अब हमें क्या करना है, जो हमने पुराना कपड़ा काटा है उसको जीन्स के साथ रखकर सिल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको पुराने जीन्स का बहुत ही बढ़िया उपयोग बता रहे हैं। इससे जो पायदान बनेगा वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार से सिलाई लगा ली है। जो पुराना कपड़ा और पुराना जीन्स हमने काटा था उसकी इस प्रकार से हमने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, जो कपड़ा ज़्यादा बचा है साइड में उसको काट लेंगे, ये देखिए। तो इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है। इसी प्रकार से हमने जो दूसरे कलर का पेंट काटा है उस पर भी सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये देखिए, हमें 8 कलियों पर इसी प्रकार से सिलाई लगा देनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े लिए हैं रंग बिरंगे, जो ब्लाउज़ पीस में से या किसी और चीज़ में से कपड़े बच जाते हैं वो कपड़े लिए हैं। यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई ली है और जितनी बड़ी आपकी कली है उस हिसाब से आपको लंबाई लेना है, ये देखिए इस प्रकार से आपको कपड़े को नाप कर देखना है और लंबाई ले लेना है। और इस प्रकार से हमें इस कपड़े को रखना है, उल्टी साइड से रखना है और सिलाई लगाते जाना है, ये देखिए इस प्रकार से हमें सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने पिंक कलर का कपड़ा लिया है, तो ज़रूरी नहीं आप पिंक कलर ही लें, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और किसी भी कलर का पुराना जीन्स हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर लिया है तो आप ब्लू कलर ही लें, आपके पसंद के अनुसार आपके पास जो भी पुराना जीन्स है या जो भी पुराना कपड़ा अवेलेबल है आप उसका पायदान बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें इस प्रकार से कट लगाना है, इससे पाइपिंग में बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आएगी, बहुत ही बढ़िया सफाई आएगी, क्योंकि हम गोल राउंड में पाइपिंग लगाएंगे तो ये कट लगाना ज़रूरी है। अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो पाइपिंग में अच्छे से सफाई नहीं आ पाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कट लगाए हैं। और इस कपड़े को यहाँ पर हमें इस प्रकार से मोड़ना है, ये देखिए।
और फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पाइपिंग को मोटा रखना है, पतला नहीं करना है, क्योंकि मोटी पाइपिंग से पायदान में बहुत ही बढ़िया उठाव आएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से हमें मोटी पाइपिंग रखना है और इस प्रकार से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें हम जो कट लगा देते हैं ना, उससे बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है, कपड़ा मुड़ता नहीं है, खिंचाता नहीं है, तो इसलिए हमें कट लगाना ज़रूरी होता है। और ये देखिए इस प्रकार से मोड़ते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे इस पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है इस पाइपिंग में, अब हम डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई से बहुत ही बढ़िया उठाव आएगा पायदान में और ये जो कपड़ा है वो खिसकेगा भी नहीं, मुड़ेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। फ्रेंड्स जिस प्रकार से हमने दोनों कलर की कलियों पर पाइपिंग लगाई है, उसी प्रकार से आटो कलियों पर हमें पाइपिंग लगा लेना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं आटो कलियों पर हमने पाइपिंग लगा ली है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इन कलियों को जोड़ेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कली को इस प्रकार से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए पहले से हमने जो सिलाई लगा रखी है, अगर हम उसी के ऊपर लगाएंगे तो अलग से सिलाई नहीं दिखेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आना है और वापस से मुड़ना है। तो जिस प्रकार से हमने पाइपिंग पर दो सिलाई लगाई है, उसी प्रकार से हमें दो सिलाई लगानी है। ये देखिए धागे को काट देंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे तो इस प्रकार से ये पीछे की साइड दिखाई देगी। और अब हम अगली कली रखेंगे तो ये देखिए इस कली को भी इसी प्रकार से रखना है और सिलाई लगाते जाना है। तो याद रहे फ्रेंड्स यहाँ पर हमें हर कली पर डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए इस प्रकार से मोड़ते हुए डबल सिलाई लगाते जाना है हर कली पर, इससे ये बहुत ही बढ़िया जुड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स जब हम इन कलियों को टेढ़ा रख के यानी थोड़ा तिरछा रख के सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ये पायदान लगेगा। तो ये देखिए इसी प्रकार से अगली कली रखते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगेगा ये पायदान। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने कलियाँ जोड़ते जाना है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 कली जोड़ ली हैं, अब आखिरी कली है 8वीं। तो ये देखिए इसको भी जिस प्रकार से हमने 7 कली जोड़ी हैं, उसी प्रकार से इस कली को भी हमें सिलाई लगानी है यानी जोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस पर भी इसी प्रकार से डबल सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब लास्ट में सिलाई लगाना बचा है तो इसको इस प्रकार से हम ऊपर करते हुए सिलाई लगा देंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सभी कलियों पर बिल्कुल सेम तरीके से सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगाना है। तो ये देखिए
यहाँ पर हमने कलियाँ जोड़कर कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन अभी ये पायदान अनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर जो गोल राउंड का शेप आप देख रहे हैं, खाली जगह देख रहे हैं, इस पर हमें कपड़ा लगाना है। तो फ्रेंड्स, गोल राउंड को नापते हुए हमने यहाँ पर 2 इंच का गोल कपड़ा जीन्स का काट लिया है और एक और कपड़ा काट लेंगे साथ में ही। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 कपड़े काट लिए हैं और यहाँ पर सीधे उल्टे का ध्यान रखते हुए सीधे ओर से हमें सिलाई लगा देनी है क्योंकि हम बाद में इस कपड़े को सीधा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी है और इस जगह में से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से सीधा कर लेना है और जो थोड़ा सा भाग खुला छोड़ा था हमने, उस पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, कटिंग कर लेंगे धागे की और इसको पायदान के ऊपर रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम रखकर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत पायदान बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। और इस पायदान को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको भी पुराने जीन्स का पायदान बनाना है तो आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिए। बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने आपको पुराने जीन्स का पायदान बनाने का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।